नमस्कार दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड टीम का ऐलान हो गया है। दोस्तों सैम बिलिंग्स बने हैं उप कप्तान। दोस्तों वो जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा कि स्क्वाड में कौन से खिलाड़ी लिए गए हैं। लेकिन आप इंग्लैंड टीम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए सैम बिलिंग्स को इंग्लैंड का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। कप्तानी का जिम्मा विश्व कप विजेता के कप्तान ओइन मॉर्गन के पास ही है। बिलिंग्स ने अपना आखिरी टी20 मैच इस साल मार्च में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था। इसके बाद वो चोट के कारण वो विश्व कप से बाहर हो गए थे। आईसीसी ने बिलिंग्स के हवाले से लिखा है कि कुछ सम्मान पाना अच्छा लगता है और ये तो बड़ा सम्मान है। एक भावी कप्तान के रूप में पहचाना जाना मेरे लिए एक शानदार मौका है। इसमें साथ ही निजी तरक्की से भावना जुड़ी हुई है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने पिछले सीजन में इंग्लैंड लायंस की कप्तानी की थी और मॉर्गन ने कुछ दिन पहले मुझे फ़ोन किया और कहा कि वो मुझे उपकप्तान बनाकर खुश हो गए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा होगा। मैं उनसे सीखने के लिए तैयार हूँ और वही करने की कोशिश करूँगा जो मैंने कैंट के लिए किया था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज का पहला मैच 1 नवंबर को खेला जाएगा और 5 T20 मैचों के बाद 2 मैचों की टेस्ट सीरीज भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में होने वाली है। दोस्तों इंग्लैंड के स्क्वाड की बात करें तो ओइन मॉर्गन कप्तान होने वाले हैं, जॉनी बेस्टो, टॉम बेंटन, सैम बिलिंग्स उप कप्तान, पैट ब्राउन, सैम करन, टॉम करन, जॉन डेनली, लुइस ग्रेगोरी, क्रिस जॉर्डन, साकिब महमूद, डेविड मलान, मैट पार्किंसन, आदिल रशीद, जेम्स विंस। दोस्तों ये स्क्वाड होने वाला है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।